राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 295 के तहत सिरोही जिले के नगर पालिका शिवगंज की मानसावली वास में लगभग 40 वर्ष पूर्व से कपूराराम पुत्र केसाजी भील के पुराने मकान को पट्टा नहीं दिए जाने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन इस प्रकार है कि सिरोही जिले के नगर पालिका शिवगंज की मानसावली वास में श्री कपूराराम पुत्र श्री केसाजी भील का लगभग 40 वर्ष पूर्व मकान बना हुआ है। इस मकान में 20 से 25 वर्ष पूर्व विद्युत कनेक्शन भी हुआ है। यह परिवार अशिक्षित होने के कारण पट्टे की प्रक्रिया किस प्रकार होगी उसको समझ नहीं पाया, फिर भी उन्होंने नगर पालिका में आवेदन किया और अधिशासी अधिकारी द्वारा फरवरी 2000 में कच्ची बस्ती नियमन के तहत पट्टा पर हस्ताक्षर करके पट्टा दे दिया, लेकिन जातिवादी मानसिकता एवं राजनीतिक प्रभाव के कारण नगर पालिका अध्यक्ष ने हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि वहाँ उस इलाके में एकमात्र भील समूह का घर है। राज्य सरकार वर्तमान में जो जहाँ पर बैठा हुआ है उसको पट्टा देने का एक विशेष अभियान चला रही है, लेकिन यह पीड़ित परिवार पिछले 40 वर्षों से मकान बनाकर बैठा हुआ है, उसे आज दिनांक तक पट्टा नहीं दिया गया है। इस प्रकार कहीं न कहीं हमारा ये जो दावा है एक खोखला साबित होता है। इसको लेकर RI शिवगंज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह मकान किसी भी रास्ते की भूमि में बाधक नहीं है, इसको पट्टा दिया जाना उचित है। इसके बावजूद भी इस परिवार को नियम कायदों में उलझाकर मकान का पट्टा हटाने का प्रयास वर्षों से किया जा रहा है। इसी प्रकरण में उसके जो पुत्र है कांतिलाल उर्फ कार्तिक भील के साथ 19 नवंबर 2022 को मारपीट की गई। उसके इलाज के दौरान 2 जनवरी 2022 को मृत्यु हो गई। इसके बाद भी पीड़ित परिवार एवं कई सामाजिक इस प्रकरण को लेकर पीड़ित परिवार एवं सामाजिक संगठन द्वारा पीड़ित को पट्टा एवं अन्य मांगों को लेकर सिरोही जिला मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि विभिन्न मांगों को लेकर जो पीड़ित परिवार सिरोही जिला मुख्यालय पर धरना दे रहा है उनकी मांग को पूरा किया जाए, उनको पट्टा देकर राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद। श्री सुभाष।